नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना की। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया, उसके बाद हवन भी किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन गोरखनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव भक्तों के लिए यह महीना बेहद खास होता है। इस महीने में भगवान शिव की विशेष आराधना होती है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को सावन के महीने की शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की कि भगवान शिव सभी की मनोकामना को पूरी करें। सीएम योगी ने ट्वीट किया कि सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को देवाधिदेव महादेव के पावन श्रावण मास के शुभारंभ की अनंत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही प्रार्थना है। इसके आगे उन्होंने लिखा, भगवान भोलेनाथ की आराधना उपासना को समर्पित पावन मास श्रावण आज से प्रारंभ हो रहा है। अटूट श्रद्धा और समर्पण की प्रतीक कांवड़ यात्रा के पुण्य भागी सभी भक्तों का स्वागत अभिनंदन है। लोक मंगल के ध्येय से परिपूर्ण इस यात्रा के प्रति मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार सावन 58 दिन का है, जो कि 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलेगा।